हेलो गाइस, इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बता रहा था, वहीं से कंटिन्यू करता हूं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मैंने एक एग्जांपल लिया है। मैंने कहा था किसी भी आइसोमेरिज्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, Cr सेम, अमोनिया इक्वल, सल्फेट भी सेम, Cl2 भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर भी ड्यूरिंग द आइसोमर्स चेंज नहीं होना चाहिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मोनो है तो 4 बार और ये बाइडेंटेट है तो 6 बार, मतलब 2 बार 6। ये मोनो है तो 4 बार और ये खुद मोनो होता है तो 2 बार ये, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। जब मैं पानी में घोलूंगा तो ये आयन की फॉर्म में Cl देता है और ये आयन की फॉर्म में सल्फेट देता है। क्योंकि दोनों लोग डिफरेंट डिफरेंट आयंस बना रहे हैं इसलिए मैं इसको आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहूंगा। बोल्ड दिख रहा है दोनों अलग अलग बना रहे हैं। यदि आप रियल में टेस्ट करना चाहें कि क्या दोनों बना रहे हैं अलग अलग, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि सॉल्यूशन का टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट कैसे करते हैं? इन तीन आयनों का टेस्ट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, AgCl, AgBr और AgI के पीपीटी आते हैं। इसका पीपीटी आएगा व्हाइट, इसका आएगा लाइट येलो और इसका आएगा डार्क येलो। नाइट्रेट का टेस्ट करना है तो आपको रिंग टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, और सल्फेट टेस्ट करना है तो इसमें BaCl2 डाल दीजिए तो आप पाएंगे कि BSO4 का वाइट कल्डी पीपीटी मिलता है। ये इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। ये 5 टेस्ट आपके सिलेबस में है जेई के, आप याद कर लें। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद दूसरी आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाता हूं मैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जरा देखें लिंकेज में मैं आपसे एम्प्टी डेंटेट की बात करूंगा, आपको मैं पढ़ा चुका हूं टाइप ऑफ लिगेंड्स में। यहां पर सी के थ्रू डोनेशन होता है और यहीं पर इसका एक दूसरा कंपाउंड होता है। देखिए ये यहां डोनेशन एन के थ्रू होता है। जब ऐसा होता है तो हम इसको साइनो बोलते हैं और ऐसा होने पर हम इसको आइसोसाइनो बोलते हैं। आइसोसाइनो एक केस और देखिए, एक केस आपने पढ़ा होगा, एक होता है ओ एन डबल बॉन्ड ओ, इसमें लिंकेज ओ कर रहा होता है, और एक होता है एन डबल बॉन्ड ओ। यदि ऐसा हो तो यहां से लिंकेज एन कर रहा होता है। दोनों चीजें सेम है, लिंकेज का फर्क है। इसे नाइट्राइटो बोलते हैं और इसको नाइट्रो बोलते हैं। एक और देखिए, ये है SCN, यहां पर लिंकेज वाया एस हो रहा है, और एक होता है एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, यहां लिंकेज वाया एन होता है। एस को हम लोग केमिस्ट्री में थायो बोलते हैं और ये Cl यहां पर आकर साइनेट बोला जाता है। यहां पर एस अभी भी है, थियो तो अभी भी होगा, लेकिन Cl को पलट दिया गया है इसलिए इसे हम आइसोसाइनेट बोलते हैं। तो ये तीन कैटेगरी है आपके यहां एम्बीडेंटेड लिगेंड की। अगर ये कहीं आपको दिखाई दे तो आप तुरंत कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं Cr अमोनिया की पावर 5, Cl मैंने एक केस ले रखा है, बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? अगर आपको Cl दिख जाए तुरंत क्लिक करिएगा कि साहब ये अपने आप को चेंज करके लिंकेज में जा सकता है और वो कंपाउंड ऐसा बनेगा। ये देखिए, बस Cl को NC लिख दीजिएगा। ये देखिए मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखा है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, IUPAC नेम दोनों का अलग अलग हो गया है। इसका नाम यहां पर साइनो होता है और इसका नाम यहां पर आइसोसाइनो होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, IUPAC नेम अलग अलग है, तो आइसोमर्स तो है लेकिन कौन सा है? अगर लिंकेज का फर्क है, यहां पर डोनेशन वाया सी है और यहां डोनेशन वाया एन है, तो ये लिंकेज का फर्क है। अगर आप NO2 बनाना चाहते थे क्वेश्चन, तो Cr अमोनिया की पावर 5, एक में आप इसको ऐसे लिख दीजिए इट इज प्लस 2, तो दूसरा आइसोमर कैसे बनाओगे? दूसरे आइसोमर में आप इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए दोनों ही केसों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम है, फर्क है लिंकेज का। ये डोनेशन वाया ओ कर रहा था और ये डोनेशन वाया एन कर रहा था। डोनेशन की वजह से मैं इसे लिंकेज का फर्क कहूंगा और ये लिंकेज आइसोमर होगा। दोनों का आईयूपीएसी नेम भी अलग हो गया, इसमें ये नाइट्राइटो कहलाएगा और इसमें ये नाइट्रो कहलाएगा। अगर यहां से एक केस बनाना चाहते थे तो Cr अमोनिया की पावर 5 HCl एक केस बन सकता था, और दूसरा बना सकते थे Cr अमोनिया की पावर 5 NCS भी आप एक केस बना सकते थे। एग्जाम में ये आएगा तो ये बनाओगे, ये आएगा तो ये बनाओगे। अंतर क्या है? यहां लिंकेज वाया C है और यहां लिंकेज वाया N है।
अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये बनाओगे, ये आएगा तो ये बनाओगे। तो इस तरह से आपके यहाँ से लेकर जेई लेवल तक लिंकेज के ये तीन अच्छे केसेस बनते हैं। इट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, लेकिन आईयूपीएसी अलग अलग, आइसोमर्स तो है, आयनों का आयनों में अंतर आएगा तो आयनाइजेशन, और लिंकेज में अंतर आएगा तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म डबल ब्रैकेट में पाई जाती है। तो एग्जांपल देखें डबल ब्रैकेट का, मैंने आपसे कहा सीआर अमोनिया की पावर 6 एक ब्रैकेट और सीओ सीएन की पावर 6 दूसरा ब्रैकेट। जैसे आप डबल ब्रैकेट को देखें तुरंत कहना शुरू कर दें कि साहब इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, डबल ब्रैकेट होना चाहिए। अब क्या कर सकता हूं मैं इसमें, इसमें इस कंपाउंड का एक आइसोमर बनाऊंगा। देखिए मैं क्या करूंगा, कोबाल्ट को यहां लाऊंगा और सीआर को यहां लाकर इंटरचेंज करूंगा, मतलब सीओ अमोनिया की पावर 6 और यहां बन जाएगा सीआर सीएन की पावर 6। मैंने कहा था दोनों कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए, कंपाउंड नंबर 1 कंपाउंड नंबर 2 चेक कर ले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है। मैंने कहा था दोनों के आईयूपीएसी नेम अलग अलग होने चाहिए, इसमें पहले वाले ब्रैकेट में क्रोमियम है, इसमें पहले वाले ब्रैकेट में कोबाल्ट है, आईयूपीएसी नेम अलग हो जाएगा। मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर बदलना नहीं चाहिए, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है और यहां पर इसका भी 6 है तो इसका भी 6 है, कोऑर्डिनेशन मैंने चेंज नहीं किया। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अच्छा क्वेश्चन है, तो चूंकि आईयूपीएसी नेम की प्रैक्टिस में करा दे रहा हूं आपको, यहां पर आईयूपीएसी में आपको प्रॉब्लम आती है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। चलिए दिखाता हूं, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इसके लिए x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर 0, यहां पर हम इसके लिए x 0 मल्टीप्लाई बाय 6 x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर 0, 2x बराबर यहां भी प्लस 6 आएगा और 2x बराबर यहां भी प्लस 6 आएगा। अब x बराबर 6 का मतलब सीधे 2x बराबर 6 का मतलब सीधे आप x बराबर 3 नहीं कह सकते, इसके लिए मैंने प्रोबेबिलिटी बढ़ाई थी आपको 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सही होगी, क्या कौन से सही होगा, इसके लिए मैंने कहा था आपको कुछ पॉइंट याद होने चाहिए, जैसे कि सीआर प्लस 3 होता है याद होना चाहिए, और कोबाल्ट या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब अगर मुझे याद है कि सीआर प्लस 3 और कोबाल्ट 2 और 3 होता है तो बताइए इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सेट बैठेगा। आप कोबाल्ट को अगर 2 ले लेंगे तो फिर इसके साथ कभी 6 आंसर नहीं ला पाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों को 3 लेना पड़ेगा। मैं समझ गया इसका नंबर भी 3 आएगा, इसका नंबर भी 3 आएगा, ऐसे इसको करोगे तो मैं समझ गया इसका भी नंबर 3 आएगा और इसका भी नंबर 3 आएगा। तो आप लिख लेंगे पहले वाले ब्रैकेट को प्लस मानिएगा और दूसरे वाले ब्रैकेट को माइनस मानिएगा, नाम लिखते समय मैं नाम इसका लिख के दिखा रहा हूं वैसे इसका लिख लेना, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमाइन क्रोमियम 3। फिर यहां पर आप हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3। मैंने क्या खास करा है गौर करिएगा, यहां पर 8 नहीं लगाया लेकिन यहां पर 8 लगाया है, याद है आप 8 किसमें लगाते हैं, जब कोई ब्रैकेट निगेटिव माना जाता है तो 8 लगाते हैं और जब कोई ब्रैकेट पॉजिटिव माना जाता है तो 8 नहीं लगाते हैं। पहला ब्रैकेट हमेशा प्लस, दूसरा ब्रैकेट हमेशा माइनस होता है केमिस्ट्री के अंदर, इसलिए पहले वाले पे प्लस और दूसरे वाले पे मैंने माइनस माना है, ऐसा इसका नाम लिखेंगे। तो पहला ब्रैकेट प्लस है तो उसके हिसाब से कोबाल्ट बोलेंगे और यहां पर दूसरा ब्रैकेट माइनस मानते हुए आप उसे इस क्वेश्चन में क्रोमेट बोलेंगे। अब जो बात हमने बोर्ड पर बनाई है हमें जस्टिफाई करनी है कि जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है वो सही है भी कि नहीं, लिख ही दिया है तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसको पानी में घोल दीजिए तो यहां से दो पार्ट निकलेंगे, एक पार्ट निकलेगा सीओ अमोनिया की पावर 6 और एक पार्ट निकलेगा सीआर सीएन की पावर 6। चेक करिए ये सही है कि नहीं, कैसे करेंगे मुझे कंफर्म मालूम है, पहला ब्रैकेट प्लस और दूसरा ब्रैकेट माइनस, बस ये नहीं मालूम है कि कितना प्लस कितना माइनस, एक एक करके मानेंगे, एक बार प्लस 1 मान के चेक करेंगे, फिर प्लस 2 मान के चेक करेंगे, फिर प्लस 3 मान के चेक करेंगे, देखें क्या होता है। अगर मैं प्लस 1 मान के चेक करूंगा तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 1,
ये गलत है, क्यों? क्योंकि कोबाल्ट कभी प्लस वन नहीं होता। चलो तो अगर ये गलत तो ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों को टू मानी से करते हैं। ऐसा करोगे तो कोबाल्ट में क्या आ जाएगा? प्लस टू आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कोबाल्ट प्लस टू आएगा तो सही बैठ रहा है। अब केवल इसके सही होने से हम सही नहीं मानेंगे, इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये सही लग रहा है, अब ये जब चेक करूंगा तो यहां से इसका आंसर प्लस फोर आएगा और क्रोमियम प्लस फोर नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। ये सही था, ये गलत हो गया, मतलब पूरा गलत हो गया। तो क्या करूंगा? फिर कौन सॉल्व करूंगा? अब ये थ्री करूंगा और ये थ्री करूंगा। ऐसा करने पर यहां से थ्री आंसर आएगा, कोबाल्ट थ्री होता है। ओके, कोबाल्ट थ्री होता है, ये सही हो गया। और थ्री करने पर यहां से आंसर क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा, ये भी सही हो गया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो दोनों के ऊपर प्लस थ्री और माइनस थ्री आयन मानने पर ही ये जस्टिफाइड होगा। ठीक है, सही। अब कोई बच्चा एग्जाम में ये कह सकता है कि सर मैं ये सीख गया कि इसमें आपने ये इंटरचेंज कर दिया है, नाम भी चलिया रिवाइज करा दिया, जस्टिफाइड भी करा दिया। सर क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोबाल्ट क्रोमियम चेंज ना करें, हम लीगेंड चेंज कर दे? मतलब किसी बच्चे ने टेबल लगाई और उसने कहा सर मैं ये करना चाहता हूं सी आर सी एन की पावर सिक्स और यहां पर कर दूंगा सीओ अमोनिया की पावर सिक्स। सर क्या ऐसा भी कर सकते हैं? ऑन द बोर्ड तो कर ही सकते हैं। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, आईयूपीएसी ने पक्का लगाएगा, इसमें हेक्साइन आएगा, इसमें हेक्साइनो आएगा। तो आपको एक नजर में देखने में लग रहा होगा यस ये भी इसका आइसोमर हो सकता है, लग रहा ना? सच्चाई में ऐसा कोई कंपाउंड ही संभव नहीं है। जस्टिफाई कैसे होगा? जस्टिफाई करने के लिए आप पानी में घोल दो, पानी में घोलोगे दो पॉइंट निकालोगे, एक सी आर सी एन की पावर सिक्स ये प्लस में होगा और दूसरा सीओ अमोनिया की पावर सिक्स ये माइनस में होगा। जस्टिफाई करके देखते हैं, एक बार हम प्लस वन लेके चेक करेंगे, नहीं आएगा तो प्लस टू लेके चेक करेंगे, नहीं आएगा तो प्लस थ्री लेके चेक करेंगे, देखते क्या होता है। अगर मैं यहां पर एक्स लेके सॉल्व करूं तो यहां पर जो आंसर आया चेक करके देखो प्लस सेवन आ जाएगा, जबकि यहां पर जो आंसर आएगा वो माइनस वन आएगा। और मुझे अच्छी तरह मालूम है क्रोमियम कभी प्लस सेवन होता नहीं है, गलत हो गया। अगर आप टू लेके सॉल्व करेंगे इसको तो यहां पर आंसर आठ आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। थ्री लेके सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये माइनस प्लस नाइन आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। मीन्स आप इसको कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि आंसर इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था और इन दोनों का सम प्लस सिक्स आना चाहिए था। आप देखिए कहां किस रेंज में भागने जा रहे हैं। आपको याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना था कि क्रोमियम प्लस तीन होता है, कोबाल्ट प्लस टू और प्लस थ्री होता है। इस तरीके से बनाया कंपाउंड बोर्ड पे संभव है लेकिन रियल में ये कंपाउंड नहीं होता। मीन्स अब आप रट्टा क्या मारेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए हम मेटल को इंटरचेंज करते हैं, लिगेंड को इंटरचेंज नहीं करते हैं। कॉपी करिए, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन के बाद हम बताएंगे आपको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखिए जरा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या कहती है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के आपको नाम सही लग रहा होगा, यहां पर पानी की बात होने जा रही है। एग्जाम्पल देखिए सी आर एच टू ओ की पावर सिक्स सी एल थ्री सी आर एच टू ओ की पावर फाइव सी एल के बाहर एक पानी सी आर एच टू ओ की पावर फोर सी एल टू बाहर यहां पर दो सी एल बचे होंगे अभी और एक पानी यहां पर एक सी एल और दो पानी और आखिरी केस सी आर एच टू ओ की पावर तीन सी एल की पावर तीन और तीन पानी। चेक कर लीजिए तीनों कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तीनों कंपाउंडों पर चारों कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम है, आईयूपीएसी नेम सबके अलग अलग आ रहे होंगे, इसमें हेक्सा एक्वा है, इसमें पेंटा एक्वा है, इसमें टेट्रा एक्वा है, इसमें ट्राई एक्वा है, अलग अलग आ रहे हैं। जब पानी अंदर होता है तो उसे एक्वा बोलते हैं, जब पानी बाहर होता है तो उसे हाइड्रेट बोलते हैं, यह आईयूपीएसी की प्रैक्टिस मैंने बताया है आपको। पानी अंदर है तो एक्वा, पानी बाहर है तो हाइड्रेट, सीएल अंदर है तो क्लोराइडो और सीएल बाहर है तो क्लोराइड, याद रखिएगा। खैर ये सारे आइसोमर्स हाइड्रेट क्यों है, क्योंकि यहां पर पानी के नंबर में चेंज आ रहा है। जब पानी अंदर बाहर डिफरेंट नंबर में पाया जाए तो आप उसे हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं।
जब आयनों में अंतर हो अंदर बाहर तो आयोनाइजेशन, जब लिंकेज में अंतर आए तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, जब डबल ब्रैकेट में चेंज आए तो कोऑर्डिनेशन, और जब पानी अंदर बाहर बदल रहा हो तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। याद है? लेकिन यहां पर क्वेश्चन कुछ और भी अच्छे बनते हैं। वो क्या? जब इसको पानी में घोल कर देखिए क्या बनेगा। अगर मैं इसको पानी में घोलता हूं तो यह कंपाउंड मुझे देता है सीआर H2O की पावर 6 प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस, ये देगा। ये कंपाउंड मुझे देगा सीआर H2O की पावर 5 Cl प्लस 2Cl माइनस और पानी देगा। ये कंपाउंड मुझे देगा सीआर H2O की पावर 4 Cl2 Cl माइनस प्लस और दो पानी देगा। ये कंपाउंड मुझे देगा सीआर H2O का थ्राइस Cl3 और बाहर आपको तीन पानी देता है, ऐसे देगा। अब इनको देखने के बाद मुझे एक बात दिमाग में आती है या एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि मुझको कि ये चारों कंपाउंड जो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं और पानी में घोल कर ऐसे लिख दिए हैं, ये सच्चाई में संभव है कि नहीं कि फर्जी लिख दिए हैं? एक्चुअल में चार कंपाउंडों में केवल तीन कंपाउंड मान्य है, ये कंपाउंड संभव ही नहीं है। ये बात आपको यहां जस्टिफाई नहीं होती है, ये बात यहां जस्टिफाई होती है, इसलिए संभव है कि नहीं ये बात मैं आपको यहां समझाऊंगा। समझिए कैसे। आपने कहा ये जो सीएल है ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये कोई व्हाइट वॉश करने वाला एक आदमी है जो आपकी बिल्डिंग पर व्हाइट वॉश कर रहा है। आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की दीवार है पार्श्व वाले की, और वहां पर यह आदमी व्हाइट वॉश कर रहा है, तो ये बिल्डिंग पर चिपका कैसे होगा? कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। तो वो आदमी बिल्डिंग पर रस्सी पकड़ करके चिपका होता है, मतलब ये आदमी इस बिल्डिंग के साथ किसी इंटरेक्शन से रस्सी चिपका हुआ है, और उस रस्सी को, उस इंटरेक्शन को मैं यहां पर क्या बोलूंगा? आयनी बॉन्ड बोलूंगा। ठीक है, तो बिल्डिंग के बाहर वाला आदमी बिल्डिंग से चिपका हुआ है विद अ फोर्स। ठीक है, यहां पर ये वाला आदमी व्हाइट वॉश कर रहा है तो बिल्डिंग से चिपका होगा, कैसे चिपका होगा? ये देखिए व्हाइट वॉश, आयनी बॉन्ड चिपका होगा, ये आदमी बिल्डिंग चिपका हुआ है और ये आदमी अपनी जेब में पानी की बोतल रखे है। ठीक है, तो पानी हो सकता है। यहां पर ये वाला आदमी बिल्डिंग से चिपका हुआ है बाय रस्सी से, अगर रस्सी से चिपका हुआ है तो यहां पर आपको कुछ ऐसी फिगर दिखाई देगी, कुछ ऐसी फिगर दिखाई देगी। इस समय इसके अंदर भी आपको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा और वो रस्सी वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप कहेंगे अगर ये रस्सी वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो किसी आदमी की जेब में ये पानी की बोतल है। ठीक है, एकदम सही है। आप ये बता दो हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर ये आदमी व्हाइट वॉश कर रहा है और ये पानी इसकी बोतल, पानी की बोतल इसकी जेब में है। याद रखिए यहां पर वो व्हाइट वॉश करने वाला आदमी ही गायब हो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रस्सी से पकड़ के बैठा रहा वो आदमी ही गायब हो। जब वो आदमी ही नहीं है तो पानी की बोतल किसकी जेब में आ जाएगी? फिर पानी की बोतल कहां है? इसका मतलब है इस लॉजिक में पानी बाउंड्री के बाहर बिना इंटरेक्शन के संभव नहीं है। यह तो मैंने सामान्य जीवन के लॉजिक समझाया। यदि आप साइंटिफिक लॉजिक चाहते हैं, चलिए मैं बताता हूं। साइंटिफिक लॉजिक देखिए, यह पानी यहां पर चिपका कैसे है? वो है पानी का ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से डाइपोल से बंधा होता है, इसलिए यह पानी यहां चिपका होता है। यहां पर अगर आप देखें तो दो पानी है, आप ये देखिए इसका निगेटिव पॉजिटिव, और यहां पर देखिए पानी इसका निगेटिव और पॉजिटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव से इंटरैक्ट, ये निगेटिव पॉजिटिव से इंटरैक्ट, ये वाला निगेटिव इस पॉजिटिव से इंटरैक्ट और ये वाला निगेटिव इस पॉजिटिव से इंटरैक्ट, लिहाजा ये पानी इससे चिपका हुआ है। जो पानी भी मैं उसकी जेब की बोतल कह रहा था वो इस लॉजिक से समझा रहा हूं साइंटिफिक। अब देखिए जब यहां पर ऐसी कोई आयनिक बॉन्ड ही नहीं है
जब यहां पर कोई निगेटिव पॉजिटिव ही नहीं है तो ये जो पानी आप यहां पर तीन बना रहे थे, तीन पानी, तो इसका ये निगेटिव ये पॉजिटिव यहां पर इंटरैक्ट किससे होएगा? यहां तो कोई निगेटिव पॉजिटिव है ही नहीं, दिस इज द कॉज। ये पानी इस केस में इसके बाहर नहीं आ सकते, दिस इज द कॉज। ये कंपाउंड जस्टिफाइड ही नहीं है, ये कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहां से बनता है, बताओ इन तीनों सोल्यूशनों में किसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी? आपको मालूम होगा कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस। जिस सोल्यूशन में आयंस ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। यहां पर तीन और एक चार आयंस, यहां पर दो और एक तीन आयंस, यहां एक और एक दो आयंस है, बिल्कुल सही। तो जिसमें आयंस ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, एकदम ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म के साथ साथ कंडक्टेंस का लॉजिक पढ़ लीजिए, ठीक। अब एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, नंबर ऑफ आयंस में याद दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आता है कि बताइए अगर मैं इसमें एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट डाल दू, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट डाल दू तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl विल फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, अच्छी तरह समझिएगा, देखिएगा। आप मुझे पहले ये बताओ एक बार मोल कौन सा डिवाइस कर रहे हैं, क्या आपको मालूम है सिल्वर नाइट्रेट Cl माइनस आयन से मिलकर क्या करेगा? यस, AgCl का वाइट पीपीटी बनाएगा, मुझको मालूम है। लगाओ मोल कौन सा, इसका एक मोल, इसके एक मोल से मिलकर ये कितना बनाएगा, एक मोल बनाएगा। इसका पांच मोल, इसके पांच मोल से मिलकर क्या बनाएगा, इसका पांच मोल बनाएगा। इसका पांच मोल इसके सौ मोल से मिलकर क्या बनाएगा? अब मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, जो कम होता है आंसर उसी से आता है। इसका पांच मोल इसके पांच मोल से मिलकर के इसका पांच ही मोल बनाएगा, और इसका 95 मोल अनरिएक्टेड रह जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, वो बेकार पड़ा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को उठाकर मैं यहां लगाऊंगा, ये कंपाउंड कितने मोल बना है आपने यहां पर, ये कंपाउंड पूरा का पूरा एक मोल है। एक मोल कंपाउंड जब पानी में घुलता है तो ये वाले सीएल कितने मोल देता है, ये वाले सीएल तीन मोल देता है। अब इस सोल्यूशन में जिसमें तीन मोल सीएल है, अगर उसमें मैं 100 मोल सिल्वर नाइट्रेट डाल दूं तो कम कौन है, तीन मोल की 100 मोल, तीन, तो रेशियो किससे आएगी, इससे आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर तीन मोल ऑफ AgCl बनेगा और 97 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यहां अनरिएक्टेड रह जाएगा। देखो ये पूरा एक मोल है, इससे जब पानी में घोला तो इसके तीन मोल बने, जबकि इसके एक मोल बने, ये एक मोल है तीन मोल, मुझे इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है इसके तीन मोल इसके 100 मोल से कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन तीन मोल करेगा, तीन इसके तीन से मिलकर इसका तीन बनाएगा और इसके 97 मोल बेकार हो जाएंगे। याद रखो ये पूरा कंपाउंड कितने मोल है, ये पूरा कंपाउंड एक मोल है। अगर ये पूरा कंपाउंड एक मोल है तो पानी में घुलने के बाद ये कितने मोल बन रहा है, एक, और ये कितने मोल बन रहा है, दो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये सीएल ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है वो रिएक्शन करेंगे। अब इसमें दो मोल सिल्वर है, दो मोल सीएल माइनस आयन है, दो मोल सीएल माइनस आयन है, ये इसके 100 मोल से कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, दो मोल ऑफ AgCl बनेगा, इसका टू इसके टू से कंबाइन करेगा तो इसका जो 98 मोल बच गया वो अनरिएक्टेड फॉर्म में पड़ा रहेगा, उसका कोई काम नहीं है। ये पूरा कंपाउंड कितने मोल है, ये पूरा कंपाउंड एक मोल है। जब पानी में घोला जाता है तो इसका एक मोल बनता है और इसका एक मोल बनता है, इसके अंदर सीएल जो है उसका कोई काम नहीं है, वो ब्रैकेट के अंदर है, वो रिएक्शन नहीं करेंगे। यहां पर एक मोल सीएल जब इसके 100 मोल से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, इसका एक मोल ऑफ AgCl बनाएगा, और इस क्वेश्चन में 99 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अनरिएक्टेड फॉर्म में यहां पर पड़े रहेंगे। ये बता दिया मैंने आपको हाइब्रिड आइसोमेरिज्म, देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले बताऊंगा मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और फिर बताता हूं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।